भगवान शिव और भांग के बीच संबंध। दोस्तों आप सोचते तो होंगे ही, क्या है शिव और भांग का संबंध, भगवान शिव के साथ भांग क्यों जोड़ी जाती है? जी हाँ, भांग और शिव के बीच कुछ तो संबंध है, तभी तो दोनों का नाम एक साथ जुड़ता है। भांग सदियों से चली आ रही है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भांग कुछ 5 पवित्र पौधों में से मानी जाती है और इसे खुशी, दुख और आजादी का भी स्रोत माना जाता है। दोनों के संबंध में वैसे तो बहुत से तर्क हैं, कुछ कहानियों पर आधारित हैं और कुछ लॉजिक के मॉडल पर बने हैं। दोस्तों कहानी के आधार पर भगवान शिव का अपने परिवार से मतभेद हो गया था और गुस्से में वह एक जंगल में चले गए। वहां जाकर वह भांग के पौधे के नजदीक सो गए। जगने के बाद उन्होंने भांग के पत्तों का सेवन किया। उन्हें खाने के बाद उन्हें काफी ताजगी और आनंद का अनुभव हुआ, इसलिए भांग को भोलेनाथ के पसंदीदा भोग में स्थान दिया गया है। तर्क और दर्शन के आधार पर भगवान शिव को हिंदू धर्म के संघर्ष की उपधि दी जाती है। मानवों के विज्ञान के आधार पर जब भी समाज के डेराव आता है तो भोलेनाथ समाज को हिलाते हैं ताकि परिवर्तन आते रहें और समाज एक पड़ाव पर स्थित न हो। शिव की भूमिका महाकाल में भी अहम है। ये थी SM News रिपोर्ट।